हेलो दोस्तों, एआरओ कटिहार का एडमिट कार्ड अग्निवीर रैली भर्ती के लिए आ चुका है। आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना है। इसके बाद इंटर को प्रेस करना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। तो चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। K5RNQS, उसके बाद इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद अग्निपथ वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा आप सही सही डालिएगा, VNNLCP। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपका प्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद इधर आना है, माय प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, स्टोरी ऑफ एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, एडमिट कार्ड। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए आपका आ गया अग्निवीर जनरल ड्यूटी, सिरसा मिलिट्री कैंप कटिहार। फॉर्म देखिए 18/11/2022 को यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, कब से कब तक था। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, जस्ट यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक प्रीव्यू खुल गया है। यही आपका एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। चलिए हो गया, अब इसे ओपन करते हैं। चूंकि यह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है, इसलिए इसमें आपका पासवर्ड लगेगा और आपका पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन कर रहे हैं। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। तो चलिए अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर को प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका एडमिट कार्ड खुल गया, आपका फोटो दिख रहा है, जहाँ पे रैली होगा वहाँ का पूरा एड्रेस आपको दिख रहा है, डेट टाइम यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपका एडमिट कार्ड ओपन हो गया है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें एवं लेजर प्रिंटर में इसे प्रिंट आउट निकाल लें। भर्ती में जाने वाले सभी दोस्तों को मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।